الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد। कुर्बानी का गोश्त सारा खुद खाना चाहें तो खा सकते हैं, कुर्बानी का सारा गोश्त रिश्तेदारों को देना चाहें तो दे सकते हैं, कुर्बानी का सारा गोश्त गुरबा में तकसीम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुस्तहब और बेहतर यह है कि जब कुर्बानी का गोश्त हो उसके तीन हिस्से कर लें, एक अपने घर के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए, तीसरा फकरा और मसाकीन के लिए। ये बेहतर तरीका है कि इनका भी ख्याल किया जाए, गुरबा मसाकीन का, फकरा का, और अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब का भी ख्याल किया जाए, इसका एहतमाम करना चाहिए। हाँ, जब गोश्त तकसीम करें, जैसे गाय का है, ऊंट का है, भैंस का, जिसमें सात शुरका है, तो ये फिर अंदाजे से तकसीम न करें, वजन करके बराबर तकसीम करें, इसका बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाएं।